जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो घटना देखेंगे, जो हमारे इस समाज में हो रहा है, और शायद बहुत कुछ व्यक्ति को ही पता होगा, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को ऐसी पता नहीं है कि समाज में इतनी गलत या अब इतनी घिनौना आज का समाज है। देश आज़ादी हो चुका है, 75 ईयर से ज़्यादा हो चुका, फिर भी ये घटना चल रही है, जबकि हर व्यक्ति को राइट है, हर औरत को राइट है, हर मर्द को राइट है, हर तरह के जो है ना उसको अपना लिबर्टी है। फिर भी यहाँ पे जो है संविधानिक व्यवस्था होते हुए भी कुछ ऐसे गांव हैं राजस्थान में जो बहुत बड़ी कुरीतियाँ चल रही है। उसी कुरीतियां के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुरीतियां क्या है कि राजस्थान में आधा दर्जन ऐसे गांव हैं जहां पे 8 साल से 18 साल की लड़कियां को बेचने का पड़ता है। अगर उसकी माँ या उसका फैमिली वाले या जो है अगर इसका विरोध करते हैं तो फिर उसके माँ के साथ बलात्कार किया जाता है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा राजस्थान में कहाँ हो रहा, और ऐसा हुआ तो ये इस पे जो है अभी कार्रवाई चालू हो गई है। वो कार्रवाई जो है ना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से नहीं हुआ है, ये कार्रवाई जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के तरफ से इस पे कार्रवाई हुई है। इसी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए। और इस तरह के सोशल घटनाएं, लीगल घटनाएं जो होती है और फिर पॉलिटिकल घटनाएं होती है, उससे आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि राजस्थान में आधा दर्जन ऐसे गांव हैं जहां पे 8 साल से 18 साल के लड़कियां को बेचने की प्रथा है। वो बेचने की प्रथा जो है राजस्थान में एक जो है पद्धति है, वो जातीय पंचायत कहलाती है। और ये जातीय पंचायत का काम है कि उस गांव में जो 8 से 18 वर्ष की लड़कियां होती है उसको बेचा जाता है, और लड़कियां का कीमत जो है ना 6 से 8 लाख तक लिया जाता है, और एक लड़कियां को कई बार बेचा जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार लड़कियां को बेच दिया तो जो है उसका काम समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। उस लड़कियां को कुछ समय के लिए बेचा जाता है, फिर वापस लाया जाता है, फिर दूसरे ग्राहक के पास बेचा जाता है। इस तरह की पद्धति है। और इसका अगर विरोध करते हैं घर वाले तो उसकी माँ के साथ बलात्कार करने का जो फरमान सुनाती है और जाति पंचायत जो है। ऐसा ही घटना जो है अभी नजर में आया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास। और इसमें दो अभी जो घटना नजर में आया वो दो घटना नजर में आई। एक घटना नजर आई भीलवाड़ा में जहाँ पे 4 लड़कियां को बेचा गया, और दूसरी घटना दूसरी जगह नजर आई, वहां पे एक ही लड़की पीड़ित जो थी जो कंप्लेन किया था उसका उसकी लड़की को 3 बार बेचा गया और तीनों बार वो प्रेग्नेंट हो गई। तो इस तरह से घटनाएं जब सामने आए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये मीन्स इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये कमीशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया है और सारी रिपोर्ट मांगी है, और वहां के डीजीपी को भी तलब किया है, रिपोर्ट मांगी है, और उनसे पूछा गया कि अगर इस तरह का घटना हो रही है तो जो है सरकार इस घटना को रोकने के लिए कौन सा काम किया है, और फिर अगर इस घटना को रोकने में कोई ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर असफल हुआ है तो क्यों हुआ है। और एक घटना आज इस क्यों हो रही है, क्योंकि हर औरत को या हर महिला को अपना अधिकार है, और यहाँ पे अधिकार का हनन होता है, और इस तरह से जो है हनन होता है तो उसका मीन्स यही भी कहना है कि जो फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हो रहा है महिला के लिए। और फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो इसमें सारा रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है कि
स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट जो है, किसी भी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है या किसी भी महिला का फंडामेंटल राइट है, किसी पुरुष का है, कि बच्चे का है, किसी का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको जो है उस फंडामेंटल राइट को वो कंजर्व करे, ना कि वायलेट हो वहां पे। तो इस तरह से जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पे तलब किया, लेकिन राष्ट्रीय वुमेन राइट कमीशन ने इस पे जोरों से अपना कठोर कदम दिखाया है और चीफ सेक्रेटरी से जो डिमांड किया है और डीजीपी से जो डिमांड किया है और एक्शन के बारे में भी कहा गया और ये भी पूछा गया कि अगर ये बहुत पहले से हो रहा है तो इस पे रोकथाम के लिए ये या अदर व्यवस्था के लिए क्यों नहीं इसको जो है किया गया, मीन्स इस पद्धति को रोकने के लिए कोई कानून क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट लाई है, या फिर इस पद्धति को रोकने के लिए किस तरह का व्यवस्था का या किस तरह का मैनेजमेंट का व्यवस्था किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, इस पर भी राष्ट्रीय वुमेन राइट कमीशन ने वहां के चीफ सेक्रेटरी से और डीजीपी से जवाब मांगा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि आज हमारा देश आजाद हो चुका है, 75 इयर्स हो चुके हैं, व्यक्ति जो है अभी जो है सरकार भी जो है अभी शताब्दी वर्ष मनाने के लिए सोच रही है कि आजादी का हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे और स्वर्ण जयंती पे बात चल ये लोग अभी मना रहे हैं, लेकिन जो है अब यहाँ पे अब संवैधानिक व्यवस्था होते हुए भी और रूल एंड लॉ होते हुए भी, हर तरह का व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पे इस तरह के समाज में घटना हो रही है, तो सही में निंदनीय घटना है। इस पे कोई भी गवर्नमेंट हो उस पे इमीडिएट इफेक्ट करना चाहिए, इमीडिएट एक्शन में आना चाहिए ताकि इस तरह के घटना को रोका जाए, क्योंकि एक औरत का राइट का वायलेशन करना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हर व्यक्ति जो बोलते हैं या सरकार बोलती है, हर सरकार बोलती है कि जो है ना औरत को इक्वल राइट की मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल राइट क्या होता है, यहाँ पे तो एक औरत का शोषण हो रहा है। तो सही में इस पे ध्यान देने की जरूरत है और अब देखने की जो चीज है कि वहाँ की चीफ सेक्रेटरी है और डीजीपी जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को क्या जवाब देती है, क्या रिपोर्ट सबमिट करती है और नेशनल ह्यूमन कमीशन क्या कोर्ट जाती है इसको लेके, जो सुप्रीम कोर्ट जाती है या तो हाई कोर्ट जाती है इस तरह का एक्शन पे कंट्रोल करने के लिए, या खुद एक्शन में कुछ करती है, अब ये कहने की चीज नहीं है, अब ये देखने की चीज है कि नेशनल हमें कमीशन जो है इस पे क्या वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर इतना ही, अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।